कई टीवी सीरियल्स में अपनी अदायगी से घर घर में पहचान बनाने वाली जैस्मिन भसीन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जैस्मिन भसीन की आंखों की कार्निया डैमेज हो गई है और उन्हें दिखना बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि एक इवेंट में लेंस पहनने के बाद उनकी आंखों में दर्द शुरू हो गया और यह दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनकी आंखों की कार्निया डैमेज हो गई है, जिसे ठीक होने में 4-5 दिन लग सकते हैं। फिलहाल उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, जिसके कारण वह कुछ भी देख नहीं पा रही है और असहनीय दर्द से परेशान है। जैस्मिन भसीन 17 जुलाई को एक इवेंट में शामिल होने के लिए वह दिल्ली गई थी। उस इवेंट में लेंस पहनने के बाद उन्हें तकलीफ होने लगी। दर्द और जलन के कारण उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जैस्मिन ने बताया कि उन्होंने लेंस पहनकर अपने वर्क कमिटमेंट को पूरा किया, लेकिन दर्द जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि लेंस की वजह से उनकी आंखों की कार्निया डैमेज हो गई है। इसके बाद जैस्मिन मुंबई पहुंची और अपना इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ठीक होने में 4-5 दिन लग सकते हैं। फिलहाल उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और वह कुछ भी नहीं देख पा रही है, साथ ही असहनीय दर्द से गुजर रही है। हाल ही में जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड अली गोनी के साथ लाफ्टर शेफ में खाना बनाती नजर आई थी। कटरॉन केई खिलाड़ी से दोस्त बने जैस्मिन भसीन और अली गोनी को बिग बॉस में प्यार हुआ था। शो से निकलने के बाद से ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 4 साल से दोनों रिलेशनशिप में हैं और अब फैंस उन्हें शादी के बंधन में बंधते देखना चाहते हैं। ऐसी ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।